सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र सहरसा, सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी से तीसरे चरण में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाने के लिए पर्चा दाखिल किया है। वहीं जाप प्रत्याशी रंजन प्रियदर्शी ने सहरसा विधानसभा क्षेत्र संख्या 75 से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान जाप उम्मीदवार रंजन प्रियदर्शी ने कहा कि सहरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव चाहती है। साथ ही उन्होंने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा किए गए कार्य, चाहे बाढ़ हो या कोरोना जैसी महामारी में किए लोगों की सेवा की सराहना करते हुए और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री पप्पू यादव होंगे, क्योंकि सरकार बिहार के जनता को ठगने का काम किया है। हम जमीनी स्तर पर जनता के पास विकास के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। अगर जनता विधानसभा भेजने का काम करेगी तो भ्रष्टाचार को खत्म करके 6 महीने या साल भर के अंदर सभी अधूरे रुके काम पूरे करने का काम करेंगे। हमारा मुद्दा एक ही है, विकास विकास विकास, और सिर्फ सहरसा का विकास जो इतने दिनों से रुका पड़ा है। मैं प्रयास करूंगा कि चुनाव जीतते ही 6 महीने के अंदर जितने भी विकास के कार्य रुके पड़े हैं, जनता को असुविधाएं हो रही हैं, मैं उसमें भरसक प्रयास करके 6 महीने से साल भर के अंदर सारे अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। क्या लगता है विधानसभा में पप्पू यादव की जीत होगी? अवश्य निश्चित होगी। जिस हिसाब से हमारे नेता ने काम किया है, अभी पटना का बाढ़ हो या कोरोना के महामारी में, कोई भी नेता रोड पर सड़क पर नहीं दिखा था हमारे नेता के अलावा, पप्पू यादव जी के अलावा। तो ये जनता देख रही है, सत्ताधारी नहीं चलेगा, अब सेवाधारी लाना।